आज मथुरा के ब्रज में संतों महंतों धर्माचार्यों की महापंचायत हो रही है। ये महापंचायत कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ बुलाई गई है। बरसाना में रमेश बाबा के रस मंडप गय बर्मन में ये महापंचायत आयोजित की गई। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राधा रानी के जन्म को लेकर और उनके रहने की जगह पर एक बयान दिया था, जिस पर विवाद खड़ा हुआ और मथुरा के संत उनके बयान से नाराज हो गए। संतों महंतों धर्माचार्यों ने इस मामले पर एसएसपी से एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। तो वहीं प्रेमानंद महाराज ने भी कथावाचक प्रदीप मिश्रा को नसीहत दी थी और बहुत नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि प्रेमानंद महाराज और प्रदीप मिश्रा के बीच बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने फोन पर सुलह करा दी थी, जिसके बाद प्रेमानंद महाराज पर भी ब्रज के संतों में आक्रोश है। संतों का ऐलान है कि प्रदीप मिश्रा बरसाना आकर माफी मांगे तब विरोध खत्म होगा। इसके अलावा ब्रज के धर्माचार्यों ने प्रदीप मिश्रा को शास्त्रार्थ करने की भी चुनौती दी है। हालांकि इस महापंचायत चर्चा के बाद धर्माचार्य संत महंत महामंडलेश्वर प्रदीप मिश्रा को दंड सुना सकते हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के राधा रानी विवाद में अब गुरु सांदीपनी के वंशज रूपम व्यास भी कूद पड़े हैं। उन्होंने पंडित मिश्रा से नाक रगड़कर माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर मिश्रा ने मथुरा जाकर प्रेमानंद महाराज जी से माफी नहीं मांगी तो वे अपने विद्वत परिषद से बात कर कोर्ट जाएंगे। व्यासपीठ का जो अपमान उनके द्वारा किया जा रहा है, नाक रगड़ रगड़ के उनको 84 कोस की यात्रा करना चाहिए क्षमा मारती, और माननीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के उनको चरणों में गिरना चाहिए और उनके क्षमा को मांगना चाहिए, ताकि उनसे ये अपराध जो हुआ है वो भविष्य में कोई नहीं करे।